हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। सो गाइस आज का ये वाला वीडियो कतई जहर होने वाला है, क्योंकि गाइस मुझे मिल गया है PUBG Mobile 0.11.5 के बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे अपडेट्स। एंड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी अपडेट्स मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा ना, वो 100% कंफर्म हो चुका है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं लास्ट 7 डेज से इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था 11.5 के अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली मुझे 4 ऐसे अपडेट मिल चुके हैं जो कि अभी कंफर्म कर दिया गया है कि वो 0.11.5 में हम लोगों को मिल जाएगा। एंड आप लोग बस ये वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं पे भी वीडियो वगैरह स्किप मत करना, नहीं तो फिर हो सकता कुछ समझ उमझ में ना आए, अब बाउंस वाउंस मार दे क्या दुनिया, दिन दुनिया का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीट देखना, और अगर वीडियो पसंद आए, अपडेट पसंद आए या कुछ भी पसंद आए, मतलब भाई साहब नीचे जाके लाइक कर दो, मतलब दबा दो यार, थम्स अप कर दो, ठीक है। एंड अगर जो कोई भी चैनल पे नया आया है, यानी कि आज से ही मेरा ये वाला वीडियो देखना शुरू किया है, तो मित्रों नीचे जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कर लो बेल आइकॉन को क्लिक, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपका भाई आप सबके लिए रोजाना लाते रहता है। तो चलो यार अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा पकाते नहीं है, कर लेते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज लेट्स गो। सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर लूं, यानी कि शॉर्ट डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी मैं अभी आप लोगों को अपडेट्स बताने वाला हूं, ये एकदम दिल से मैं बोल रहा हूं कि ये कंफर्म हो चुका है। एंड आप लोग आंख बंद करके एकदम मेरे ऊपर भरोसा कर लो इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे अपडेट्स जो कि आए नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी जो भी अपडेट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो 101% हम लोगों को 0.11.5 PUBG मोबाइल के अपडेट में देखने को मिल जाएगा। तो चलो आप लोगों को फटाफट बताते हैं कि कौन कौन से अपडेट्स है वो। अपडेट नंबर 1, G36C एसल्ट राइफल, जिसमें लगता है 5.56 का एमओ। तो गाइज ये अपडेट जो है ना, ये जो नया गन है, ये कंफर्म हो गया था 0.11.0 के अपडेट में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपडेट नहीं आया हमारे 11.0 के अपडेट में, बिकॉज यहाँ पे पबजी वालों ने अपने एक आर्टिकल से ये क्लियर मेंशन किया था कि अपडेट का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था 11.0 में, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स है जिसको डिवाइड कर दिया और 11.0 के अपडेट में नहीं लाया। लेकिन जो जो अपडेट्स उन लोगों ने डिवाइड किया है, वो सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को 11.5 में देखने को मिलेगा। तो होपफुली गाइज ये न्यू गन है G36C, तो बेसिकली बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आशा है कि यार ये 11.5 के अपडेट में हम लोगों को मिल ही जाए इस बार। तो चलो यार अब बढ़ते हैं अगले अपडेट के तरफ। तो हमारा जो अगला अपडेट है वो है एक न्यू व्हीकल, यानी कि एक और नया गड्डी, एक और नहीं यानी कि एक नया गड्डी। तो बेसिकली इस गड्डी का नाम है ऑटो रिक्शा, यानी कि टुकशाई इसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन अपने सिंपल वर्ड में कहे तो ये एक ऑटो रिक्शा है, रिक्शा जो भी कह लो, टेम्पू वगैरह जो भी है, ये सब कह सकते हो। तो बेसिकली ये भी इसका भी कंफर्मेशन हुआ था 11.0 में, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया क्योंकि अपडेट का प्रेशर बढ़ गया था। ये एक्सक्यूज मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पबजी वाले दिए, ठीक है। तो ये अपडेट भी हम लोगों को, ये नया व्हीकल भी हम लोगों को 11.5 में मिलेगा। एंड आई एम लिटरली मैं श्योर तो हूँ कि भाई ये इस बार हम लोगों को 11.5 में ये अपडेट देखने को मिल ही जाए, मतलब भसड़ मचा दो जो करना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो हमारा जो अगला अपडेट है वो है न्यू अटैचमेंट, जिसका नाम है कैंटेड साइट। तो बेसिकली मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर ये अटैचमेंट का क्या फीचर है। तो अगर आप कोई भी बड़ा स्कोप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, 3x 4x जो भी है, लेकिन लिटरली आपको अपना स्कोप को चेंज करना है एकदम, मतलब तुरंत आपको रेड डॉट में या होलोग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्विक स्कोप का यूज़ करोगे, नहीं तो फिर बैकपैक पे क्लिक करोगे, स्कोप चेंज करोगे, ऐसा सीन है। लेकिन गाइस यहाँ पे कैंटेड साइट का फीचर ये, मतलब इसका मज़ा यही है ना कि ये स्वाइप अप हो जाता है, आपके गन को हल्का टेढ़ा कर देगा, एंड ये रेड डॉट का आपका हेल्प कर सकता है, रेड डॉट का काम कर सकता है शॉट में, अगर शॉट में कोई एनिमी है तो उसको मारने के लिए। तो ये अटैचमेंट बहुत ही तगड़ा है, एंड अगर आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट अच्छे से डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आपको ऊपर पॉपअप करता वो भी दिख जाएगा, एंड कमेंट में भी मैं दे दूंगा। तो बेसिकली ये जो नया अटैचमेंट है, इसका भी हाइप क्रिएट हुआ था 11.0 PUBG मोबाइल के अपडेट में, बट कोई भी तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था PUBG कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो बेसिकली ये जो है वो 11.0 में आता या नहीं आता है, इसके बारे में मालूम किसी को भी नहीं था। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये जो नया अटैचमेंट है कैंटेड साइट, ये ऑलरेडी PUBG PC, PUBG Xbox और PUBG PlayStation में अवेलेबल है। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी खेलते होंगे तो आप लोगों को ये मालूम, मतलब आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा।
और YouTube वीडियोस में भी बहुत जगह जो PUBG PC वगैरह खेलते हैं उनके वीडियो में भी आप लोगों ने ये डेफिनेटली देखा होगा। तो बेसिकली इन तीनों प्लेटफॉर्म में ये ऑलरेडी आ चुका है एंड अब एक लौता बचा है PUBG Mobile। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये जो है नया अटैचमेंट वो 11.5 की अपडेट में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलो यार अब बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट अपडेट की तरफ। तो हमारा जो लास्ट अपडेट है वो है एक नया सीजन यानी कि सीजन 6। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा अभी सीजन 5 चल रहा है एंड वो 18 मार्च को एंड हो जाएगा, 18 मार्च 2019। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को नया सीजन मिलेगा सीजन 6। एंड गाइस ये जो सीजन 6 है वो हमें 11.5 के अपडेट में मिल जाएगा कि एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि मिलेगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बार के नए सीजन में क्या आने वाला है। तो होपफुली मुझे एकदम तो पूरा डिटेल इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन गाइस कुछ ऐसे डिटेल्स, कुछ ऐसे लीक्स निकल के आए हैं जो मुझे ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो सीजन 6 में आ जाएगा। तो इस बार का जो सीजन 6 का मतलब जो सीजन 6 का थीम होने वाला है वो कुछ नेचर से रिलेटेड होगा और उसका जो थीम कलर है वो ग्रीन जैसा होगा, मतलब ग्रीन कलर का कुछ होगा। तो इस बार का जो मतलब जो नया सीजन है सीजन 6 वो नेचर से रिलेट करेगा, नेचर से रिलेटेड रहेगा। एंड इसमें आप लोगों को कुछ नए इमोट्स देखने को मिलेगा जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसी टाइप के कुछ हम लोगों को नए इमोट्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों को काफ़ी सारे नए आउटफिट भी देखने को मिलेगा, स्पेशली जोकर एंड हार्ली क्वीन। ये जो दो ऐसे कैरेक्टर है जिनके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ एंड मैं इलाइट पास भी इन लोगों के लिए ही लिया था कि इनका आउटफिट हम लोगों को मिलेगा, लेकिन बहुत सीजन से नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि सीजन 6 में हार्ली क्वीन और जोकर का आउटफिट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार इस बार का 11.5 का अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि आखिर कब ये अपडेट हम लोगों को मिलेगा यानी कि रिलीज डेट। तो बेसिकली गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 11.5 के अपडेट में हम लोगों को सीजन 6 भी मिलने वाला है। तो होपफुली यहाँ पे जो हमारा सीजन 5 है वो 18 मार्च 2019 को एंड हो जाएगा। तो 11.5 का जो अपडेट है वो हमें 19 या 20 मार्च को देखने को मिल जाएगा, बिटवीन 19-20 मार्च 2019। तो ये जो दो दिन है इसी के अंदर हम लोगों को ये अपडेट हमारे PUBG Mobile में आ जाएगा, मिल जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली जो मैंने न्यूज़ दिया है आप लोग ज़रूर उसको अप्रिशिएट करोगे एंड अप्रिशिएट करोगे तो यार नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके हर एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो डेफिनेटली लाइक मार देना एंड अपने भाई बंधु यार दोस्त से कोई झगड़ा दुश्मनी वगैरह नहीं हुआ है तो गाइस ये वाली वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी ये न्यूज़ मिल जाए। एंड आई रिपीट गाइस कि जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है वो 101% कन्फर्म कर दिया गया है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत टॉपिक्स थे जिसके ऊपर वीडियो बना सकता था बट मैंने सोचा कि नहीं जल्द से जल्द आप लोगों को खबर दे देना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन जवाब वबाब जो भी मन में घूम रहा होगा भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर आप लोग पूछना मुझसे एंड मैं मतलब दिल से एकदम ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। तो चलो यार अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज।